देखिए हम लाइव एग्जाम्पल से समझेंगे, जो कि बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, जो बच्चों को अच्छी तरह समझ आएगा। अभी ये देखिए बिल्कुल कूल है, ये हमारी हॉट वाटर बॉटल है, अभी ये बिल्कुल कूल है। तो आप इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज है इसका। और किस लिए डिक्रीज है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन क्यों है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपकी मॉलिक्यूलर बॉन्ड होती है, वो इसमें स्ट्रांग होती है जब ये कूल डाउन है। तो पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाते, लेस एनर्जी होती है, वो अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्सपेंशन क्या होती है। मैंने अभी ये स्विच ऑन कर दी है, जैसे ही इसके अंदर के पार्टिकल जो हैं आपके हीट होना स्टार्ट होंगे, तो क्या होगी, उनकी मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होगी वो वीक हो जाएगी, और पार्टिकल जो हैं बहुत तेजी से इधर उधर घूमेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। मींस क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, मतलब बड़ा हो जाना, और कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है कि उसी चीज का वॉल्यूम कम हो जाना, जबकि उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल आपका थर्मोमीटर भी है, पर फर्स्ट एग्जाम्पल आप ये देखिए लाइव, ये देखिए पूरी तरह से हीट अप हो गई है। तो ये देखिए कितनी एक्सपेंड हो गई है ये। पहले जब ये कूल डाउन थी तो ये बिल्कुल जो है इसमें एक्सपेंशन नहीं थी, कॉन्ट्रेक्शन थी, और अब ये देखिए ये हीट हो गई है, तो इसमें कितनी ज्यादा एक्सपेंशन हो गई है। मींस एक्सपेंशन का मतलब आपका होता है कि उसका साइज इंक्रीज हो जाना। इसी तरह से थर्मोमीटर में क्या होता है, आपके थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी होती है उससे आपका साइज वो इंक्रीज कर देती है, अपर ले जाती है। जैसे आपको बुखार होता है तो मर्क्यूरी ऊपर जाती है, तभी आपको पता लगता है कि इनके 101 कितना टेम्परेचर है, क्योंकि मर्क्यूरी ऊपर चल जाती है, एक्सपेंड कर जाती है वो। तो जैसे ही थर्मामीटर को हम रख देते हैं, कूल डाउन हो जाता है वो, तो मर्क्यूरी दोबारा से नीचे आ जाती है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। तो दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये देखिए अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड गैस दिखा रखा है। इसमें पहले मैं आपका लिक्विड ले रखा है, जैसे ही उसको हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, उसी तरह से वो रेज करना स्टार्ट करेगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, देखिए आप कितने भी बड़े पतीले में आप दूध रख रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कि उसके बाद उसका वॉल्यूम रेज करना स्टार्ट कर देता है और वो बाहर निकल जाती है, तो उसे कहते हैं एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। और सेकेंड पिक्चर में आपको दिखा रखा है कि एक बॉटल के ऊपर बलून लगा रखा है, जैसे ही वो हॉट वाटर में डालेंगे उसे, तो बलून जो है वो उसके अंदर से उसमें एयर ब्लो होती है। कोल्ड में आपका वो नहीं होगा, तो दैट मींस कि कोल्ड में वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाता है आपका, और हॉट होने के बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो उसे कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, देखिए इसमें क्या दिखाया है, इसमें मॉलिक्यूल की हेल्प से दिखाया गया है कि जब कोल्ड होगा वो, मतलब उसका कॉन्ट्रेक्शन हो रही है गैसेज की, कैसे, जब टेम्परेचर आपका लो होगा तो मॉलिक्यूल जो है बहुत ही स्लो स्लो मूव करेंगे, उसमें एनर्जी नहीं होगी, तो उसमें वॉल्यूम जो है उनका डिक्रीज हो जाएगा, एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्शन, वो होगा कूलिंग के टाइम। इंक्रीज में क्या होगा, जैसे ही आप हॉट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं सेकंड पिक्चर, हॉट जैसे ही करना स्टार्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल जो है उसमें दूर दूर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी आ गई है और वो बहुत जल्दी जल्दी जो है फास्ट फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।